नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय पहुंचे उत्तर प्रदेश मऊ जिला मुस्कुरा ग्राम पंचायत में। यहाँ एक आपको ऐसे बात बताने जा रहे हैं जिसको देख करके और जान करके आप चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। इस समय चल रहा है सभी जो भी कौम के लोग हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं, भाई भाई में आज भी नहीं बन रहा है। अब भाई भाई में नहीं बन रहा है उसका एक क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किसको, किस मामले को लेकर के मामला आपको इस वीडियो स्क्रीन में बता दें कि मामला है इंडिया मार्क सरकार की योजना के द्वारा लग गया है मुस्कुरा ग्राम में। भाई साहब का नाम भी बताएंगे, अनिल यादव के घर हम पहुंचे हैं। अनिल यादव और कौन से हैं भैया? त्रिभुवन। त्रिभुवन दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन इस सगे भाई का संबंध लोग तोड़ देते हैं, लोग मिमोड़ देते हैं और लोग भाई को ही भाई, भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं। एक क्लिप आपको वीडियो स्क्रीन में दिखाना चाहेंगे कि क्यों भाई के प्रति भाई का संबंध, भाई के प्रति भाई का क्यों प्यार टूटता जा रहा है। इस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे। ये मामला यही रहा, आप बाबू तो ये मामला यही रहा है। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला यही है। एक भाई का घर ये है, आप हैं? हाँ, अनिल यादव। अनिल यादव जी, इनसे आप ये भी बताए हैं अपने जो भी है। आओ चाचा, आइए देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये सत्य कहाँ तक है। आपने कह रहे हैं कि यहाँ हम केवल इधर से लेकर पानी ले सकते हैं, इधर आने के यहाँ से बता दें कि यहाँ से उनकी जमीनें हैं, यहाँ इधर आप नहीं आ सकते क्या? जी नहीं। क्यों? हमारा ये घर लदा तब से, इसके बाद ट्रैक्टर उठे सब रोक दिए और यहाँ तक ले मैं प्रधान जी से खंजा लगवाया। भैया एक बात और बता दें, आप भाई हैं और भी आपके भाई सगे भाई हैं। जी, जी। सगे भाइयों का संबंध बड़ा अटूट रहता है, अभी किसी प्रकार की कोई घटनाएं घट जाती हैं, ये भैया भैया कहत तरीके आ जाए, आपो भैया भैया कह जी। जी नहीं जाएंगे अब, इसके लिए इनकी लड़की की शादी हुई, हमको नहीं पूछे, गाली गलौजा तो जो किए तो किए, ये रोक दिए रास्ता में है, कैसो कैसो हमारा छत लदा। इसके बाद यहाँ से हमको बगीचा में आम की जमीन है, उधर हमको नहीं जाना है और मैं यहाँ दिया हूँ अपना, उसको बिंदास हमें जाए, हमको आपत्ति नहीं। प्रधान जी खड़ंजा लगवाए हैं और प्रधान जी से कहा मैं ही खड़ंजा लगाया हूँ कि आधा उनके और रहेगा आधा हमारे और रहेगा, वो जब मन के तब अपने और जा सकते हैं, जब मन के तब हम अपने और आ सकते हैं। चलिए आप वीडियो स्क्रीन पर बने रहेंगे, आप जितने अनिल भाई यादव की ये जुबानी रही है, क्या इनमें बताए हैं ये सत्य है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है इन्हीं के घर परिवार से हटे हुए और सटे हुए दोनों हैं, ये बताएंगे इस मामले को बारीकी से। आप वीडियो स्क्रीन पर देखते रहेंगे। क्या नाम होगा चाचा आपका? रामचंद्र यादव भैया। जीवन हाई मामला बतौला हूँ अनिल भैया, ये दोनों भाई सगे हैं, सही को सही नहीं बोल सकते नहीं। एक और तो बोलेगा दूसरे से झगड़ा हो जाएगा, एक आदमी को बोलेंगे किसी को दूसरा झगड़ा कर लेगा तो दो आदमी। चलिए ये देखिए इस मामला को, आपने बताया है कि मैंने थाना चौकी यहाँ तक कोतवाली तक आपने भेजे हैं, मुझे चिट्ठी दिखाए हैं, इस पर किसी प्रकार का प्रशासन का एक्शन नहीं लिया गया? नहीं लिया गया, आपने बताए हैं और ये जो दरखास्तें हैं आवेदन आपने अनिल जी ने किए हैं। तीन तारीख 11वां महीना का मैं दिया हूँ, 3 तारीख, आज क्या तारीख है भैया? 5 तारीख है, अब तक ले कोई आया नहीं। चलिए ऐसे जब समासेबू डाले हैं उसमें का पानी नहीं पीने देते हैं और देख लीजिए दीवार जोड़ा गया है, देख लीजिए क्या हुआ है, यही बात है सर, मैं क्या करूं। मैं पानी उधर से लेते हैं तो लेने देते हैं पानी? हाँ, इधर से हम लेते हैं तो लेने देते हैं, वो बिगड़ी है तो हम ही बनवाए हैं। अच्छा, और इसके बाद मैं पुलिस प्रशासन के यहाँ गया तो अभी मेरी दरखास्त लिए, देख लीजिए क्या तारीख का है, आप पढ़ के सुनाइए। 3/11/2023 को सेवा में पुलिस चौकी थाना प्रभारी पुलिस चौकी नदवासराय मऊ महोदय थाना कोतवाली घोसी जनपद मऊ निवेदन है कि मैं प्रार्थी अनिल यादव पुत्र चंद्रदेव यादव ग्राम सभा मुस्कुरा थाना कोतवाली घोसी जनपद मऊ का मूल निवासी हूँ। मेरे सगे भाई त्रिभुवन यादव सन्नाब चंद्रदेव यादव
ये बीच में